तो सद्रक की इस प्रेजेंटेशन में आपका वापस स्वागत है। मैं हूं आपका प्रेजेंटर श्रेयांश भट्ट, जो आपके इस वक्त इंग्लिश लेसन्स ले रहा है। तो फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है ग्रीटिंग्स। तो आपने कभी अपने बड़ों को नमस्ते किया होगा, अपने दोस्तों से हाय हेलो करके बातचीत शुरू की होगी। तो आज हम सीखेंगे कि अलग अलग सेटिंग और अलग अलग एनवायरनमेंट में किन लोगों से कैसे बात करनी है, दोस्तों से कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, अपने बॉसेस से कैसे बात करनी है। तो आज हम ये सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ग्रीटिंग्स होता क्या है। तो हम ग्रीटिंग्स को बोल सकते हैं कि एक दूसरे से बातचीत करने का जरिया है ये। शुरुआत में अलग अलग प्रकार की ग्रीटिंग्स होती हैं और ये डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरनमेंट या किस सेटिंग में बैठे हो। काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जिस पे ग्रीटिंग्स डिपेंड करती हैं। ग्रीटिंग्स के दो प्रकार होते हैं, एक होती है फॉर्मल ग्रीटिंग और दूसरी होती है इनफॉर्मल ग्रीटिंग। अभी फॉर्मल ग्रीटिंग का मतलब आप समझिए कि जैसे आप बड़ों को आदर सम्मान से बात करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमस्ते करते हैं, या अपने बॉस को सम्मान दे के बात करना, आदर दे के बात करना, ये फॉर्मल ग्रीटिंग होती है। फॉर्मल ग्रीटिंग का आधार होता है वर्बल एक्नॉलेजमेंट में, फेशियल एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करना और बॉडी लैंग्वेज सही रखना। ये एक सोशल एटिकेट का पार्ट है। तो डिपेंड करता है कि आप अगर एक पर्टिकुलर सेटिंग में बैठे हुए हैं तो आपसे यही उम्मीद की जाती है कि आप उसी तरीके से अपना बिहेवियर दिखाएं, उस फॉर्मल तरीके से आप ग्रीट करें लोगों को। दूसरे प्रकार की ग्रीटिंग होती है इनफॉर्मल ग्रीटिंग। ये एक पर्टिकुलर तरीका है बात करने का जिसमें आप अपने दोस्तों से या इमीडिएट फैमिली मेम्बर में हल्का फुल्का होके बात कर सकते हैं। यहाँ पे सोशल एटिकेट पे इतना इम्पोर्टेंस या ध्यान नहीं दिया जाता है। फॉर्मल ग्रीटिंग्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मान लीजिए आप किसी ऑफिस सेटिंग या ऑफिस एनवायरनमेंट में हैं, तो अगर आप अपने किसी कलीग से या अपने किसी बॉस से बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर तरीके से करेंगे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि हेलो, हाउ आर यू। और डिपेंड करता है कि अगर आप सुबह सुबह किसी से मिल रहे हैं या दोपहर में किसी से मिल रहे हैं या शाम को किसी से मिल रहे हैं, तो इस हिसाब से आप उनको विश करेंगे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। और कुछ फॉर्मल ग्रीटिंग्स के ज़रिए, जैसे कि इट इज़ नाइस टू सी यू और इट इज़ नाइस टू मीट यू, मतलब आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं फॉर्मल ग्रीटिंग के। अब हम बढ़ते हैं इनफॉर्मल ग्रीटिंग की तरफ। तो जैसा कि मैंने बताया था, इनफॉर्मल ग्रीटिंग में आप अपने दोस्तों से हल्का फुल्का होके बात कर सकते हैं बिना सोशल एटिकेट का ध्यान दिए। तो आप नॉर्मली खुल के बातचीत करते हैं इसमें। तो जैसे कि आप अपने दोस्त को बोल सकते हैं इंग्लिश में कि हे, या मॉर्निंग, या व्हाट्सअप, क्या चल रहा है, हाउ इट्स गोइंग, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत टाइम से आपको नहीं देखा, हाउ आर थिंग्स, चीज़ें कैसी चल रही हैं। तो ये कुछ प्रकार के इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हो गए। तो आइए एक कॉन्वर्सेशन का एग्जाम्पल देखते हैं समझने के लिए कि ग्रीट कैसे किया जाता है एक पर्टिकुलर सेटिंग में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो लोग हैं, अतुल और ईशान। तो यहाँ पे अतुल ईशान से बोल रहा है, हेलो ईशान, हाउ आर यू। ईशान का जवाब आ रहा है, आई एम फाइन अतुल, थैंक यू, हाउ आर यू डूइंग। अतुल कहता है, आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू। तो अगर आप इस प्रेजेंटेशन को देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये थोड़ी सी फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही है यहाँ पे। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अतुल और ईशान शायद किसी ऑफिस एनवायरनमेंट में मिल रहे हैं। हो सकता है कि ये कलीग्स होंगे जो किसी सेम टीम का पार्ट हो सकते हैं, इसीलिए इनकी कम्युनिकेशन इतनी फॉर्मल है। या दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि एक दूसरे को इतने अच्छे से नहीं जानते हैं तो थोड़ा फॉर्मली ग्रीट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा ग्रीटिंग का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ग्रीटिंग्स का लेक्चर पूरा होता है। तो अभी आपने जो भी सीखा उसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आपको सॉल्व करनी है। तो इसमें आप ये सीख पाएंगे कि फॉर्मल ग्रीटिंग क्या होती है, इनफॉर्मल ग्रीटिंग क्या होती है, किससे किस तरीके से बात करनी है, और इसी के बेसिस पे आप ये एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप
वापस इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऑल आई वुड से आफ्टर दिस इज कीप लर्निंग एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।